Hello, assalamu alaikum, beautiful viewers. Today we are going to start another vlog in the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. So aap dekh sakte hain jis cheez ka tha mera intezar wo aa chuki hai hamare paas. Aur abhi hamare paas aa chuki hai taza taza snow. Aur masla ye hai ki hame is snow ke mausam ne school bhi jana hai. Aap dekh sakte hain ki snow waqai mein ho rahi hai aur buses leke school jana ek muhal hai. चलो अब आपके साथ हम ये सफर तय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिफोर व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द व्लॉग फ्रॉम माय स्क्रैचेस एंड द मोस्ट मजेबल। तो जिसका था इंतजार वो आ गया है। मैं हूँ डॉन। ये देख लें आप मौसम कैसा है और नीचे देख लें नीचे हालत कैसी है जिस चकना आपने। और मैं बस के लिए लेट भी अमूमन हो रहा हूँ और आई हैव टू बी फास्ट नाउ। सो मौसम बड़ा लगा, आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाते हैं और स्कूल की तरफ चलते हैं क्योंकि ठंड बहुत है और लेट नहीं होना, स्कूल बंद नहीं करते यहाँ पे। ये वो नहीं है कि स्नो हो गई तो स्कूल बंद कर देंगे, इतनी स्नो से यहाँ पे कुछ नहीं होता। वो बसेस भी चल रही हैं और ट्रेन भी प्रॉब्लली चल रही हैं। सो लेट्स गो देयर, क्योंकि ट्रेन को नीचे बस चल स्नो चल जाती है तो मेरे ख्याल से उनको मसला नहीं होता। सो लेट्स गो देयर एंड मास्क पहन लेते हैं। Wanna see the stars shine down, and I know I can't count you out. Still loving me, and I love you, babe. The way I see you stare at me, your eyes and lips all over. ये जो आप हालात देख रहे हैं ना इस वक्त, ये ऐसे नहीं हो जाते कि बर्फ़ पिघलती नहीं है। ये सिटी की गवर्नमेंट स्नो चलती है और यहाँ पे ट्रैक्टर्स चलते होते हैं। जो अगर किसी ने देखनी है वीडियो तो पिछले साल की, यहाँ पे गटर भी होता है प्रॉब्लम, तो साफ चलना पड़ना है और बिल्कुल क्लीन स्नो है नीचे अभी। सो जल्दी चलते हैं, लेट हो रहे हैं हम, लेट नहीं होना क्योंकि बस निकल गई तो बस दोबारा स्लो में थोड़ी स्लो हो जाती है ऑब्वियसली, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता मैं इस वक्त। सो लेट्स बी फास्ट, स्नो पड़ रही है और ये प्रॉब्लम 2 घंटे के लिए पड़ेगी। मज़ा आ रहा है वैसे। Love is true and you should know, I saw the way you said my name. The tears I see when you see me hurt, the way I see you stare at me, your eyes and lips all over me. Just me into my fantasies of loving you. Sorry it's that I, sorry it's that I, धड़कने हैं दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है। आप स्टेशन पर आ चुके हैं, बस ट्रेन स्टेशन पे बसेस वो नीचे जा रही हैं, वो देख सकते हैं, वो देख जा रही है। स्नोफॉल बड़ी तरीके से हो रही है और बड़ी हाई फॉल है, अच्छी खासी हो रही है, मैंने पीछे देख सकते हैं। अब इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, ये जो ऊपर पड़ी हुई है उसकी वजह से ज़्यादा लग रही है, लेकिन हो रही है बहुत अच्छी खासी अमाउंट में हो रही है। मुझे बड़े से बात अच्छी स्नोफॉल नज़र आई है,
I thought it should be in the summer before Christmas, but it's after the Christmas and it's looking amazing. I'm enjoying the weather too. मेरा ठंड फेवरेट वेदर है आजकल. अब मैंने ग्लव्स नहीं पहने और लेकिन मैंने गलती से ना शूज से स्नो ऑफ करने के लिए मैं बस में जब चढ़ने लगा था मैंने बहुत ज़्यादा स्नो ऊपर तक आ गई थी. मैंने उसको झाड़ने के लिए हल्का सा हाथ मारा ना, हाथ मार के झाड़ने की कोशिश की, मेरा हाथ से एक से फ्रीज होने वाला हो गया था. ठंडी बर्फ़ हो गई है ये, अब जैसे बर्फ़ तो ठंडी ही होगी. ये देखिए ट्रेन, अभी ट्रेन आती है तो आप देखिएगा वो ट्रैक पर चलती है. ट्रैक भी ना कवर हुआ है स्नो से अभी देखिए. और लोग चल रहे हैं ज़िंदगी रवा दवा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता स्नो हो या ना हो, फ्रीज हो या कम हो, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. लोग अपनी ज़िंदगी में काम अपना कर रहे हैं एज नॉर्मल, बस थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है और स्नो से थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता उनको कोई, और वो अपना काम कर रहे हैं. लेट्स गो टू स्कूल ना, इट्स गेटिंग लेट. 8 o'clock हो गए, 8:15:20 में टाइम क्या हो गया, 8:05 हो गए और 8:15:20:25 आई थिंक मेरी क्लास शुरू हो रही है तो लेट हो रहे हैं हम. लेट हो रहा हूँ, ज़्यादा दिखा नहीं सकता मैं आपको, बहुत सुंदर है और फोक में दिखा है और लेट्स गो देर मैं लेट हो रहा हूँ. पीछे बहुत सीन हो गया है, मैंने बस लेनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बस पे टाइम पे पहुंच गया, बस भी खड़ी थी, बस इतनी पैक थी कि जगह नहीं थी. और जब मैंने गौर से देखा तो एंड पे जगह थी और मैंने छोड़ दी बस उस वक्त, मैं निकल गया था वापस ही तो नहीं यार इस बस में जगह बैठ ही नहीं सकता मैं, और बस में जगह थी और किसी नज़र ही नहीं आया, किसी ने इशारा तक नहीं किया भाई वहाँ पर जगह है, जो खड़े होने की जगह भी नहीं थी. सो अब मैं पैदल जा रहा हूँ लेकिन पैदल जाने का ये फ़ायदा हुआ काफ़ी सीनिक व्यू मुझे मिल गया, लेकिन ठंड और देखें स्नो थोड़ी स्नो हो गई, स्नो की वजह से थोड़ी किल्लत थोड़ी मेरी आँखों में भी जा रही है. मतलब आप सीनिक व्यू देख लें एंड मैं स्कूल पहुँच सकता हूँ पैदल में, मेरे ख्याल से टाइम है मेरे पास, बचत होगी, बचत होगी. ऐसी जगह पे आया हूँ जो मिडिल पाथ पे, जिसके साथ भी हैं, साथ दरख्त भी हैं और व्यू भी अच्छा आ रहा है. मैंने यहाँ से जाकर वीडियो बनाते हैं, वहाँ से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा और स्नो पड़ी है लेकिन यहाँ पे थोड़ी साफ है. मेरे ख्याल से यहाँ पे भी इन्होंने गाड़ी जो होती है स्नो रिमूवर वो चलाई गई है तभी इतनी ज़्यादा साफ है, वरना यहाँ पे साफ थी. वो देख लो कीचड़, वो कीचड़ स्नो का इसलिए बना है वहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा लगे था और सॉल्ट की वजह से स्नो पिघल जाती होती है पोल पर, काफ़ी जगह डालती हैं एन वाई सी गर्व करती है काम और लोग पर्सनली करते हैं मैं आगे, क्योंकि अगर कोई स्लिप हो जाए तो आप उसको कर सकते हैं. लेकिन अभी चलते हैं, हम यहाँ से खुल रहे हैं बिल्कुल भी भाई, यहाँ से आप देखें वीडियो.
वो आ गया जी हमारा स्कूल, हाई स्कूल ऑप्सी टाइम टाइम में चल पड़ा है। वो स्कूल है, एक टीचर है और हम जा रहे हैं। शूज़ काफ़ी अच्छे हैं, मिल गए वैसे ये आर्मी जैसे हैं उनसे, अच्छे कोई मसला नहीं हुआ मुझे, और ज़्यादा इनमें ना बैलेंस बना जाता बनता है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। स्पेसिफिक वे गाड़ी कोई नहीं आ रही, जल्दी से निकल जाए। स्कूल क्या था वो देखिए, स्कूल आ गया। स्क्रीनिंग करवाने को देख लेता हूँ मेरे ऊपर कितनी जमी हुई है, उसके लिए चाटते हैं, स्क्रीनिंग करवाता हूँ और फिर आपको सीन दिखाता हूँ कि अंदर क्या सीन है और कैसे हालात। बिल्कुल मुझे पता है बिल्कुल एटमॉस्फेयर डिफरेंट होगा, बाहर इतनी ठंड अंदर गर्मी हो जाएगी। अब देखिएगा शाह साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं जिम में अंदर आ चुका हूँ और देखते हैं कि क्या कराते हैं आज। प्रॉब्लम वॉलीबॉल करना है, वो पीछे नेट्स देख रहे हैं आप सारा, वो जिम में लगे नेट्स वो करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। आज दिन फ्राइडे है, छोड़ा दिन है, ईजिली गुजर जाएगा इंशाल्लाह। And it's snowing, so... अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं स्कूल के बाहर आ चुका हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्कूल का जो फ्रंट ग्राउंड है वो बिल्कुल स्नो से भरा हुआ है। प्रॉब्ली जो बैकग्राउंड होगा जो मतलब कोर्ट्स हैं खेलने वाले, टेनिस कोर्ट है, सॉकर कोर्ट है, सॉकर ग्राउंड है, वो भी पूरे स्नो से भरे होंगे, ये भी स्नो से भरा हुआ है देखें। तो अभी मैं दोस्त का वेट कर रहा हूँ, उनसे जाते हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। एक मस्जिद तरकीब मस्जिद में आपको दिखाना था मैंने, जिसका वो दिखाया नहीं जा रहा क्योंकि क्लासेज अब चेंज हो गया ना, टाइमिंग यहाँ पर टाइमिंग चेंज हो गया तो उसका टाइम नहीं बनता, वो लेट हो रहा हूँ। मैं अभी जब निकला हूँ तब वहाँ पर नमाज़ हो रही होगी, सो मैं दूसरी मस्जिद जाऊँगा वहाँ चलते हैं और अभी दोस्त का वेट कर रहा हूँ मैं, वो आ जाए तो फिर उसके साथ चलता हूँ मैं। तो इस वक्त साल अर्शाद हमारे साथ आ चुके हैं, यू कैन सी हिम, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऑफर प्रेयर, सो लेट्स गो देयर एंड गेट फ्रेश फर्स्ट ऑफ ऑल वुदू एंड देन वी विल ऑफर प्रेयर। एंड साथ साहब कुछ कहना चाहेंगे? हेलो व्यूअर्स, हेलो व्यूअर्स। अभी हमने नमाज़ पढ़ ली और अब मैं घर की तरफ रवाना हो रहा हूँ, यहाँ से ब्राइटन बीच पे आया हुआ हूँ। इस वक्त मैं मस्जिद उमर में नमाज़ पढ़ी है, ओप्स इट स्लिपर्ड है, मुँह से निकल रहा है सीट पा दूँगा जो बचपन में हम करते थे ना, वो बड़ा निकल रहा है। अभी मेरे ख्याल से ये भी हाई स्कूल है और मेरे ख्याल से हाई स्कूल है, हाँ एलिमेंट्री आई थिंक हाई स्कूल है, आई डोंट नो मोर दिस थिंग, मेरे एलिमेंट्री है क्योंकि वो जिससे वो स्विंग है ना एलिमेंट्री है। इस वक्त अब ट्रेन लेते हैं ब्रांच 7 पे, मैं इस वक्त वो वहाँ से घर चलते हैं, अब वहाँ पर जा कर ट्रेन पर जा कर देखता हूँ। यहाँ पर इस वक्त ये सिचुएशन है, स्नो है तो वो वहाँ पर हमला काम कर रहा है, स्नो वहाँ पर बैठ के करें यहाँ पर काम चल रहा है अभी और अभी मैं ट्रेन स्टेशन से निकला हूँ और किंग्स हाईवे वाले, तो मैं जैसे ही निकला था मेरे सामने से फायर फाइटर्स आ रहे थे पूरे एक, मैं परेशान हो गया ये क्या हुआ है, यहाँ पे तो मेरे कोई आग वाला सीन भी नहीं नज़र आया, तो दे मस्ट बी समथिंग, हमें हल्का गैस लीकेज भी हो रहा है, उनको बुला रहे थे उनको, तो मैंने भी थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाना चाहिए वो अचानक मेरे जमीन, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ आज दैट टाइम आई स्टार्ट क्रिएशन वीडियो, बट जितनी बनाई तुम देख लें, ये बस है जिसमें मैं जाना है प्रॉब्ली और सिर्फ दो लोग वेट कर रहे हैं, सो टाइम ले ली बस। यहाँ पर मेरे घर के पास ये हालात हैं, गाड़ियों पे स्नो और ये साफ स्नो है इसलिए मुझे अच्छी लग रही है। ब्राइटन बीच पे गंदी स्नो थी, ये देख रहे हैं यहाँ पर वाइट स्नो बस बीच में, क्योंकि वो ऑब्वियसली टायर्स की वजह से होता है, लेकिन ज़्यादा स्नो साफ है और हल्के हल्के दरख्त पर बड़ी स्नो भी बड़ी प्यारी लगती है। मेरे घर कमरे से ना बड़ा प्यारा व्यू आता है ट्रीज़ का, जो स्नो होती है, मैंने पता नहीं सुबह तस्वीर ली या नहीं ली याद नहीं, बट इंस्टाग्राम पे भी नहीं मैंने अपलोड की वहाँ कोई तस्वीर,
I'll try to find that if I do have those pictures from the morning, like from 6 o'clock, when it was harshly snowing. So वो अच्छी होगी स्क्रीन चाहिए. ये ज़मीन पे बस ऐसी हैं अपने सोल्जर शूज़ और ट्राउज़र भी ना ऐसा जी बनाया हुआ है. ये भी थोड़ा सा यहाँ पर भी लगे सफाई इन्होंने की है. Here the situation. याद है लास्ट ईयर में सारा मैंने साफ किया था. चल चल लग के बहुत मुश्किल और कठिन था. अब बंदा चलते हैं और कुछ खाना पीना करते हैं. व्यूअर्स, तो इस वक्त जुमा हो गया है, घर आ गया हूँ, नींद से हालत ख़राब हो रही है. सो अब सोना सोते हैं और आपको उठ के कुछ दिखाएंगे कि क्या सीन बनता है. प्रॉब्ली फ्राइडे सब देखते हैं क्या होता है. मूवी नाइट तो मुश्किल ही होगा क्योंकि यू नो नींद आई होती है. तो मैंने लास्ट दफ़ा टाइम ना फ्राइडे नाइट को जब मूवी नाइट की है तो मैं आधी मूवी के दौरान सो जाता हूँ क्योंकि वो दूसरा सोफा होता है ना लंबा वाला, जैसे खोल जाते हैं तो उसमें फिर नींद आ जाती है और फिर नींद झोंका खोले जाते हैं दूसरे. नींद की दुनिया में आगोश ख्वाब में ले जाता है. सो अब सोते हैं. बाल इस वक्त सुबह गेम खेल रहे और मैं प्रोटेक्टर लगाने लगा हूँ. इस सारा किट वगैरह जो है उसका सामान वगैरह आप देख सकते हैं वगैरह सारा कुछ. इसके बैक लेंस का भी है और फ्रंट का भी है तो वो लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं. व्यूअर्स, तो इस वक्त रात के 9:30 हो रहे हैं. 9:30, इट्स 9:30 और जो मैंने चीज़ दिखानी थी वो पीछे स्नो सारी. ये जो मेरा फेवरेट सीन था, मैं अभी ना अगर सफाई करता ना यहाँ पर तो आपको दिखाता हूँ. ये सारा मेरा फेवरेट सीन है. लास्ट टाइम तो ना लिटरली ये जो थी ना ये सारा ये जो थी आपके हाइट देखें इतना एटलीस्ट इतनी पड़ी थी, इतनी को पड़ी थी, अराउंड 1 feet और मोर. तो ये अभी जम के भी है, ये शीशे वाली बर्फ़ होगी है. मुश्किल से सफाई होगी लेकिन सही दिल कड़ा कर रहा है उस शौक से. वो करने लगा मैं वो वाली नहीं कि काम ज़रूरत वाली. बादलों को पीछे देख लें और वो सुबह लगा हुआ वो स्कूटी जो मैं आपको दिखा रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ. जो आप सीन देख रहे हैं ना ये चीज़ जो है ये कोई बकरे या वेड़े की चीज़ नहीं है. ये शूज़ के नीचे कुछ इस तरह से लगाए हैं मैंने और ये नीचे से ऐसे हैं ताकि मैं स्नो पे स्लिप ना हो सकूँ. ये बिल्कुल ना हाइकर्स टाइप है. ये आर्मी के टाइप शूज़ हैं तो आर्मी के हिसाब से उन्होंने दिए और मैं आर्मी के साथ बड़ा सीन चल रहा है अभी. मैं जाके स्नो देखता हूँ और GoPro के साथ टैक्स आपको GoPro के साथ टाइम लैप्स सिखाता हूँ आपको. अगर आपका फुल हाउस हो तो आपको उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं. ये सफाई करना मतलब घर गंदा ही लगा है, लोगों ने अपने घर के आगे बोलेगा सफाई की हुई है, अपने ड्राइवे भी वो देखा साफ़ हुआ है ड्राइवे. तो हमारा भी काम होता है ना अपना ड्राइवे साफ़ करें. ये देखिए वो कांटे मेरे को कहा था वो ये नीचे लगे थे. ये देखिए अभी मैं ये गार्बेज जो बिन्स हैं उनके ऊपर रखूँगा GoPro और अपना आपको धमाल दिखाऊँगा. ये मैंने पहन लिया था कि मैं कहीं पर भी स्लिप ना हो. ये देखें ये ऑलमोस्ट स्नो है नहीं लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ना स्लिपरी है क्योंकि वहाँ पर आइसी हो गया है. तो इट्स गोना हेल्प मी देयर. और मेरा कैमरा आपको आउट ऑफ फोकस हो गया है, आई डोंट नो. और अभी मैं आपको अपना फेस दिखा ही नहीं रहा क्योंकि वो काबिल दीदी नहीं है. इस वक्त दिन काफ़ी हद तक कर दिया है, अभी रह गया इस वक्त सन है तो इजीली वॉश हो जाएगा सब कुछ. उन लोगों ने भी सन का इस्तेमाल किया जिसके वजह से उनका वॉश हो चुका है और हमारा अभी तक वॉश नहीं होगा क्योंकि हमने ऊपर से क्लीन नहीं किया था. बड़ी बर्फ़ खुरती है ना जब नीचे लास्ट प्लेयर है ना ये, अभी सुबह सन निकलेगा तो ये सारा स्ट्रेट रहेगा. और लास्ट ईयर यार लास्ट ईयर मुझे याद पड़ता है जितना स्नो इतनी थी इट वॉज लाइक मोर देन 1.5 feet और इतना भर भर के हमने साफ़ किया. इतना ही से ये को मैंने मुझे साफ किया था. इधर बर्फ लगा रहे थे हम इधर ताकि गाड़ी सुबह निकल सके. ये
लास्ट ये ना गाड़ी हमने वहाँ वही खड़ी कर रखी हुई थी अंदर गैराज में पार्क नहीं की, हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया था ज़रा सा स्नो को, और स्नो अच्छी खासी होगी, गाड़ी भी बेचारी कवर होगी सारी की सारी। तो वो उसको निकालना भी था, सुबह जाना होता है यहाँ पे काम पे रुकता नहीं, तो अब वो गाड़ी बड़ी मुश्किल से हमने निकाली थी, बहुत क्रेजी सीन था, अगर रिकॉर्ड हो जाता दैट वुड बी वन ऑफ द गुड ब्लॉग्स, लेकिन उस वक्त अनएक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी और साफ नहीं था, और मैंने छोटी थोड़ी सी कतरा को स्नो वाला ब्लॉग बना दिया और जो हैवी स्नो था उसका ब्लॉग नहीं बनाया। सो अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, आई जस्ट हैव वन अकाउंट इज अनशेड ऑफिशियल। आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बहुत थक गया मैं।